तभी जैसे कि बारिश का टाइम है तो ना ये सूजी है, सूजी ना उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा भून के रख दूंगी ताकि उसमें कीड़े ना लगे इसके लिए। वैसे तो नॉर्मल डे पे भी आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बारिश में ही करना चाहिए, क्योंकि सूजी में ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो मैं जैसे सूजी घर में आती है ना, तो इस तरह से इसको भून के रख देती हूँ, हल्का सा गर्म करके रख देना है, ज्यादा भी एकदम भूरा टाइप नहीं बनाना है, मतलब भूरे कलर में जो जैसे हम लोग इसके लिए बनाते हैं सूजी का हलवा वगैरह उसके लिए बनाते हैं, उतना भी इसको गर्म नहीं करना है, हल्का सा। फैला के रखना है, नहीं तो फिर वो अंदर ही अंदर फिर से मॉइस्चर पकड़ लेगा भाप की वजह से, गर्म होता है इसके लिए। और थोड़ी देर के लिए इसको फैन के नीचे रख दूंगी ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग इसको डब्बे में पैक करके रख सकते। अब मूंगफली, थोड़ी सी निकाल लूंगी पोहा वगैरह बनाने के लिए, बाकी सब इसको भून के फिर इसका क्या बोलते हम लोग, उसको कोड बोलते, आप लोग क्या बोलते कमेंट करके बताना। थोड़ा सा दरदरा पीस के रख दूंगी ताकि सब्जी वब्जी के लिए, ग्रेवी वाली सब्जी बनाते ना भरता वगैरह उसमें यूज हो जाता है, तो इतना मैंने निकाल के रख दिया जब पोहा वगैरह बनाना होता है तब उसके लिए, क्योंकि बारिश में इसका भी सेम प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके इसके ऊपर का छिलका है वो निकाल के फिर इसको पीस के रख दूंगी जार में। स्लो गैस पे ही करना है इसको, तो फटाफट से सीक जाती लेके से कच्ची होगी, तो इसको भी अभी ठंडा करने के लिए मैं पैन के नीचे रख दूंगी तो फटाफट से ठंडी हो जाएगी। तो अभी मैं जीरा भूनने वाली हूँ, मुझे इसका जीरा पाउडर और वहां पर धनिया भी रखना है, धनिया पाउडर भी बनाना है। ये मुझे 2-3 दिन पहले ही बनाना था लेकिन मेरी मिक्सी खराब हो गई थी इसके लिए ये काम रह गया। तो मेरा जीरा भी भून के हो चुका है, हल्का सा चटकने लगा और अच्छी से एकदम खुशबू आ जाती है जीरे की। अभी धनिया, वैसे तो ये भुना हुआ ही है, देखो इस तरह से होता है, एकदम हरा होगा ना तो समझ लेना कि वो बिना भुना हुआ है, ये तो हल्का भुना हुआ ही मिला है, मिलता है ऐसा भी और एकदम हरा भी मिलता है, तो इसको ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा भी इसमें अगर पानी होगा ना, मतलब मॉइस्चर होगा, तो जो हमारे धनिया पाउडर है वो खराब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है। इसको भी स्लो गैस पे भूनना है ताकि अंदर तक वो अच्छी तरह से भून जाए। तो मेरा धनिया भी भून के हो चुका है, अभी आप बोलोगे ये तो पहले से भुना था, तो ये मतलब चेक कैसे करना है ये भुना है कि नहीं सही से, तो एक लेना है और ऐसे थोड़ा सा खा के देखना, एकदम करारा लगेगा, तो ये
ये हो चुका है। अगर हल्का सा भी सॉफ्ट लगता है ना तो थोड़ा और उसको भूनना है। Bye bye.